Can I open my eyes? Yes. Oh. Good morning. Dance? Yeah, you can start the dance. So Rida has to perform our Eid dance. I'll give you the phone, Rida. You do it outside practice, okay? What will you perform, sir? Martial art. मुबारक ईद मुबारक ऐसा करके रदा ने डांस करना है। माला दीदी रदा को दो हैंकी दे दो और इसकी उंगली में बांध दो जरा। और वाइट कलर की। ओ वाइट। हाँ बंटी भैया के बड़े हैंकी ले लेंगे। सो अब आ गया है लंच का टाइम और संडे के दिन घर के सब मेंबर्स के साथ लंच मिल जाए तो और क्या चाहिए है बाबा। आज तो आपका फेवरेट मोमेंट हो गया ये है ना। सो आज बना हुआ है मटर पनीर, करेले, थोड़ी सी मिर्चियाँ और सलाद और बहुत बढ़िया। व्हाट इज रिची हैविंग? भिंडी भी बढ़िया। भिंडी भी बढ़िया। वाओ, रिची इज हैविंग पनीर एंड रोटी। देन सूखा पनीर ही तो है वो। हाँ ऐसे ले लो, निकालो अपने अपनी टेबल पे, मतलब प्लेट पे निकालो। साफ कटोरी भी आ गई। चलो जी, ये आई हुई है प्रिया जो कि हैं, आपने देखा होगा पहले, माला की माली इसकी मासी हैं और बस अभी खाना खा रहे हैं आप बढ़िया बैठ के। तो भाई आज पूरा दिन निकल गया और हमने आज कुछ भी शूट नहीं किया, मन नहीं हुआ और बस बैठे रहे लेटे रहे, कुछ नहीं किया। पिछले इतने दिनों से अंदर बाहर ऐसा जाना आना हो रहा था, किधर ना किधर जा रहे थे। अज्जू आया हुआ था तो उसी से मिले थे और बाकी भी फ्रेंड्स के यहाँ पार्टियाँ वार्टियाँ चल रही थी। तो आज का दिन था पूरा रिलैक्स करने का और कल हो गया है, होने वाला है मंडे, तो हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। तो रदा को बस अभी थोड़ी देर में मैं सुलाने लेके जाऊंगी। खाना उसने अभी खाया था, एक अंडा रोटी, और अभी उसे खिला रही हूँ दूध चौकस, बिकॉज मैम मांग रही हैं। तो अभी खाना खिलाते हैं उसे और उसके बाद उसको सुलाने लेके जाते हैं। तारे सारे चांद वांद सब लेके जा रही हूँ मैं अपनी नन्ही परी के लिए। हेलो गाइस, आई एम बैक और लुक मेरी थोड़ी चेंज हो गई है, देखते हैं बीवी कैसे रिएक्ट करती है। सॉरी यार, रिदाया सो चुकी है, पता नहीं। रिदा उठी हुई थी, चलो बाद में आएगी तो बताएंगे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है इसलिए मैं छत पे आ गया हूँ। छत पे बैठ के थोड़ी देर मैच देखूंगा, चेन्नई का मैच चल रहा है, और जब बीवी फिर बाहर आएगी फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। कॉल आ गया था कि रिदा सो गई है, अब रिएक्शन का टाइम है। हाउ इज विराट कोहली लुकिंग? बाहर चल, इतना स्मार्ट लग रहा हूँ, देखो गाइस। वेरी वेरी गुड लुकिंग सर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लुकिंग नाइस। बढ़ाऊंगा मैं ये, प्लीज थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा। नहीं, वो कोहली वाली चाहिए। नहीं, दिस इज जस्ट फाइन। नो कोहली वाली इज टू मच। चाहिए बस, ये डार्क होगी, ये हमेशा लाइट ही रहेगी। कटिंग वाले भाई ने वो कर दिया, हर तीसरे दिन में आपको आना है तभी हो पाएगा ये सब। हां बस गया, फ्री से आना है। 50 रुपए ले रहा है यार, क्या हो गया, एक महीना जाके देख लेते हैं। नरेश भैया, सो एवरी नहीं नहीं नरेश भैया के पास कराते तो 200 रुपए ले लेते हैं, वो बिगड़ गए। ये तो 50 रुपए खादर से पीपल के नीचे करा के आए हो गए? नहीं नहीं, दुकान के अंदर है बट नॉर्मल शॉप से। देख रहे हो दोस्तों, बंदा मेरा 4 लाख कमा रहा है महीने दे। 4 लाख कमा रहा होता ना मैं तो 50 रुपए दे के देखो दाढ़ी बनवा के आया है। इधर नु आ जा ओए, आ मुंडिया इधर आ जा। देखो 4 लाख आदमी कमाने पे भी क्या हालत कर रखी है। ए मुंडे आए थे मुंडू से बात कर रही जैसे। 50 रुपए दे दाढ़ी बना के आया, 4 लाख कमांदा पया। 4 लाख भाई बता दे, पता डाक के पड़ जाए हमारे घर पे। हां भाई ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 हजार रुपए तनख्वाह है मेरी। कंपनी बोलती है बतानी नहीं है तो इसलिए मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन 50-60 हजार रुपए ज्यादा नहीं है, आसपास है। केवल 2-3 लाख ही आते हैं। पापा का मैसेज आया कि मेरी भूख सी थोड़ी बढ़ गई है तो मैं चिकन और पराठे ला रहा हूँ, तू खाएगा मेरे साथ? मैंने कहा हाँ। तो आज खुल गई उनकी भूख, तो ला रहे हैं, चलो चलते हैं। पराठे कहाँ से ला रहे हैं? पता नहीं, कहीं एच पॉकेट से ला रहे हैं। अच्छा। चिकन और कुछ पराठा सा ला रहा हूं। भूख तो खुलनी थी आज, घर पे घिया जो बना हुआ था, भूख तो आप ऑटोमेटिकली खुलनी थी। घिया बोलो पापा को घिया खाने के लिए। मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, आज मैं डिनर स्किप कर रहा हूं। हां भूख ही नहीं लग रही, सूप पी लूंगा बस।
जिस दिन घिया वाल बन जाए, दाल बन जाए हमारे घर में ना, अपनी हालत देख ले तू, 6 दिन से बाहर खा रही है। आई लव घिया, 6 दिन से बाहर खा रही, तेरे से घर का खाया नहीं जा रहा, गर्मी है, गर्मी है, और बाहर जाते ही गर्मी नहीं है, पता है बाहर जाते ही गाइस मैंने इस बंदे की ना कल अभी इस बात पे इतनी ज्यादा वैसी फेरी है, ये 6 दिन से बाहर जा रही है ना, कम से कम इसने 60 बार बोल दिया, 60 बार मेरे साथ ही जा रही है अकेले सुनने। और इस बात पे मैंने अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई गई है, बट ये बंदा फिर बाज नहीं आता। देखो जो बाज है वो कुत्ता कैसे खिलाएगा, कुत्ते की धूम तो टेढ़ी रहती है ना। फिर ये 6 दिन वाली बात पे आ गया, चलो चलो कोई बात नहीं। दादू सेठी लाए हैं कुछ माल मुद्दा, देखते हैं क्या लाए हैं सबके लिए। हाँ जी भाऊ जी, क्या लिया है भाई साहब? बस ये आज कुछ खाने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो ये बड़ा सामान तो आप ही खोलोगे, आप ही इसका उद्घाटन करोगे? उद्घाटन मैं करूँगा। अच्छा जी, हाँ ही कर देता हूँ उद्घाटन फिर, आप कह रहे हो तो क्या लाए हैं देखते हैं। चलो तो साहब ले आए हैं अफगानी चिकन और एक पराठे, तो अब हम ये खाने वाले हैं पापा के साथ बैठ के। पापा का 10 दिन का, कितने दिन का व्रत माला टूटेगा आज? 10 दिन से ज़्यादा हो गया ना, खा नहीं रहे ढंग से। आज चिकन की तलब मची है उन्हें, मतलब आज तो कुछ खास ही है, ट्रिप से ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आ गई हूँ रिदा को छोड़ के वापस, सेठ साहब रहे हैं अभी। सो कल किसका कमेंट आया हुआ था ये वाला, सेठ साहब रहे हैं सो, रिदा भी गई है सो, ऐसे वाला कोई कमेंट आया हुआ था। अभी बस चाय वाय पीते हैं बैठ के, खाते पीते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे थोड़ी सी भूख सी लग रही है, पता नहीं क्यों। चाय नाश्ता होने का समय हो गया है और पापा बैठे हैं। पापा कैसी तबीयत है? सब आपके लिए पूछ रहे हैं बहुत, थोड़ा एक बता दो, आपने कमेंट नहीं पढ़े अभी आजकल के दो दो तीन के व्लॉग्स में ना, क्योंकि आपका कहीं रिप्लाई नहीं आया है। नहीं, नहीं, मैं मिल जाए एक दो वो। मैंने तो देखा नहीं, वैसे पहले तो मैंने देखे थे, अभी नहीं दिखा मुझे। हाँ हाँ, 2 दिन पहले का, वही तो कह रही हूँ, 1-2 दिन के ब्लॉग पे नहीं आए हुए रिप्लाई आपके। पर ठीक है, आप तबीयत बढ़िया? कल चिकन पराठा खाया? मैं बोल रही थी कल मेरा भूख भूल गई है। हाँ, तो मैं तो ले आया बाजार से थोड़ा। अच्छा, पूरी चिकन, ठीक है। So I'm ready. Good morning. आज मंडे आ गया यार, स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक। और बाबूजी क्या हाल चाल है, क्या खाया जा रहा है? अंडा ब्रेड, तबीयत ठीक है? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बनाया मम्मा आज? अच्छा, तो शिड्डी बनी है, शिड्डी होती है जो जब घी बनाते हो आप तो उससे जो निकलता है, कई लोग उसको मीठे में बनाते हैं, कई लोग उसको नमकीन में बनाते हैं, तो वो शिड्डी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बस मम्मा ने वही बनाई है और वही खाएंगे आज। मैं एक्चुअली रोल्स बना के ले जाने लगा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता था ज़्यादा, तो अब दोबारा से सब्जी ले जा सकता हूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग है, कैसे हो आप लोग सब? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ लवली वीक अहेड। एक दिन का ब्रेक ले लो भाई व्लॉगिंग में ना, अगले दिन कैमरा उठाने का मन नहीं करता, पता है ऐसा वाला सीन होता है। और मेरे लिए तो एक दिन से ज़्यादा हो गया, बिकॉज सेठी साहब वॉज एट होम एंड ही वॉज व्लॉगिंग, सो मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं ज़्यादा शूट कर नहीं रही थी। सो अभी वही उतना ही डिफिकल्ट हो रहा है दोबारा उठा के कैमरे से शूट करना। अभी जाके नहाते धोते हैं और फिर जाएंगे रिदा को लेके आएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, नहा धो लिए हैं हम और फ़ोन बच गया था, अभी हम बाहर ही निकले थे तो मुझे लगता है रिदा की बस अली दीदी का फ़ोन आ गया है, ये तो सेठी साहब का फ़ोन है। तो सेठी साहब का भी फ़ोन आया था और मुझे उन्होंने याद कराया, मुझे डब्बा कुरियर करना था दवाइयों वाला, सो आई एम जस्ट लीविंग, अभी डब्बा कुरियर कराते हैं और उसके बाद देखते हैं इफ आई कैन पिक अप रिदा, अदरवाइज माला विल बी खराब। सो रिदा का फोन आ चुका है बस से, तो आई विल टू पिक अप एंड आई एम गोइंग फॉर द कुरियर। तो कुरियर का काम हो गया है, भेज दिया है यहाँ से, 2-3 दिन में मिल जाएगी मम्मी को दवाई। का टैंक खत्म हो गया था भाई, आज लेके नहीं गई हो तो मैंने उसे बोला था कि मैं लेके आऊँगी आज, तो एकदम से याद भी आ गया था, जस्ट गोइंग टू पिक दैट अप एंड शी इज रीच होम, उसके बाद जाएंगे घर। उसको ले लिया है मार्केट से मैंने टैंक और ये मैंने ली है नान खटाई। रिदा पहले एक्चुअली टिफिन में लेके जाती थी ओरियो बिस्किट्स, डेली लेके जाती थी,
सो वो अब मैं उसको नहीं दे रही हूँ, उसकी जगह मैंने ये बेसन वाली नान खटाई आजकल आई एम गिविंग हर। सो आई होप शी लाइक्स इट। और ऑल्टरनेटिव है ये मीठे का, क्योंकि मीठा तो मांगती है वो, तो टिफिन में आई विल गिव इट टू हर। हाय प्रिटी प्रिंसेस, कैसा हुआ डांस? हाँ रिद्धा, कैसा था स्कूल? अच्छा मम्मा, पर आपको ना अभी मैं आपकी टीचर हूँ, okay. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी योगा के, आप और वो भी एनिमल्स के। आपको बटरफ्लाई पूछा था? हाँ। करके दिखाओ आप करके, ऐसे करके। ये तो आता है मुझे, करके दिखाओ, ये ऐसे करके ज्वाइन करके ऐसे ऐसे दिस आई नो। आपको कोबरा पूछा था? कोबरा हाँ। कोबरा, अरे नहीं योगा का था। कोबरा पोज नहीं, योगा का नहीं आता। नहीं मुझे तो कोई पूछ नहीं आता बेटा। को कैमल ऐसे टंग नहीं निकालता, सही से बताओ। आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहे हो? ओह माय गॉड, लुक एट द आर्च। यू गाइस आर डूइंग योगा दिस डेज? देखो ऐसे करके दिखाइए। आप पीछे मत गिर जाना, करके दिखाइए। पहले आप इधर आ जाओ, पहले आपको ब्रा पोज करेंगे। मैं तो कर दूंगी। मैम प्लीज कैन वी प्ले बिजनेस? यस रिदा बेटा, वी कैन प्ले बिजनेस आफ्टरवर्ड्स। वी आर डूइंग आवर स्कूल होमवर्क एंड आई एम रिदाज मैम एंड शी इज द स्टूडेंट एंड शी इज बेसिकली भावना मैम। सो आई एम भावना मैम राइट नाउ। मैम यू आर बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड। ओके थैंक यू सो मच माय डार्लिंग। Do you work? After करने पैंदा है ने काम सोनिए। हाय। टेंट पता नहीं किथे जांदा पे है। Beautiful work. रोटी में आज हमने खाया है जी, वही जो चाय पराठा खाया था वही खाया हुआ है, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। Feel like having a cup of tea. Mom, is this fine? Beautiful work, beta. Beautiful. Mom, if you will not be a teacher. When you will retire, after that what you will do? Beta, after that I will relax, beta. No more work after my retirement. Okay, my bacha, what do you want to be when you grow up? I want to be a chef. Chef? Okay. And you? I will eat the food that you will make. Okay? Okay, ma'am. And after that we have a music class also. After this we have a music class. In the music class, what we will do? We'll sing. Okay, you do your work. Let ma'am will sing a song for you. Ma'am, can we sing Kisariya after the dance? No, ma'am really likes one song these days, so I'll sing that for you. So, मुझे आजकल ये वाला गाना बहुत पसंद आ रहा है। अभी हम गा के सुनाएंगे रिदा को। कौन सा गाना था रिदा? तुरु। हाँ। तुरु है तो मैं काया उम्र मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी काया बनूं। मैम मुझे ये गाना आजकल इतना पसंद आ रखा है और बस 24 घंटे मैं यही गाना गाती रहती हूँ। मैम यस, टुडे आई डोंट वांट टू रीड अ चैप्टर। नो बेटा, चैप्टर वी हैव टू डू, वी हैव टू फिनिश वन चैप्टर, इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। ओके दोस्तों, हमें आ रही थी बहुत ही ज्यादा कमजोरी क्योंकि हमने नहीं खाया हुआ था कुछ, जैसे कि आपको बताया कि पराठा खाया हुआ था। तो हमारे घर पे अभी कुछ बना है स्नैक, वो बैठी हुई अभी अपना काम करके टीवी देख रही है। अच्छा। आप एक बार बंद करो। मैंने आज पापा बोला, मैंने कहा आपने अपने कमेंट नहीं पढ़े हैं, बोर्ड डाले हैं कमेंट, रिप्लाई करे आपने अभी 15-20 किए अभी। वेरी गुड पापा। सो पापा खा रहे हैं, ब्रेड रोल बने हैं, चाय बनी है। कैसे बने? ठीक है, बढ़िया। देख के खाना पापा, गला तेल वाले है ना। चलो खाओ जी। और पापा व्लॉग देख रहे हैं कीचू का, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया है।